पता नहीं क्या दुख था उसे, किस बात की तकलीफ थी मुझे, मुझे नहीं पता चल सका। उस दिन वो मेरे कमरे में भी आया था। सॉरी कह रहा था मुझे, कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, अपने दोस्तों के लिए डिनर नहीं रखना चाहिए था मुझे। मुझे नहीं बताया, चुपचाप अपना दुख अपने दिल में छुपाए चला गया हमेशा के। बस बस करें प्लीज। फोन भी तो नहीं अनलॉक हो रहा, कुछ नहीं क्या पासवर्ड है इसका, एटलीस्ट ये अनलॉक हो जाए तो कुछ पता चलता। शायद नूर को पता हो। मेरी बच्ची, बेटा क्या कर सकते, अल्लाह को यही मंजूर था। मेरी दुनिया उजड़ गई, बहुत समझाया ऐसे, अपनी मिसाल दी, मगर ये नहीं सुन रहे। सुबह से जिद कर रही थी कि मुझे अरसम के पास जाना है, अरसम के पास जाना। मैं अरसम का प्रस्ताव लेकर गई थी, सुबह वहां जाकर अरसम की कब्र के साथ लेट गई। मुश्किलों से समझा कर वापस लेकर आई। मेरी बच्ची सबर करो बेटा, सबर के अलावा इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। सबर करो मेरी बच्ची। सबर करना किस इंसान के बस में है? मुझे कहता है कि मैं सब करूंगी, तकलीफ होती है और तुम जैसे जीवन साथी को होने के बाद मैं कैसे सबर कर सकती। सबर जो कहते हैं मुझसे कि सबर करूं, मैं वो खुद सबर करके दिखाना कितनी मुश्किल चीज है।